सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में JV के पावर के क्वार्टरली 4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि इस शेयर को आगे आपको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। तो देखते हैं आगे इस शेयर के क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। उसी के बेसिस में आप इस शेयर को यहाँ पे एनालाइज करके अगर आप इस शेयर को बाय, होल्ड या सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे हम इस शेयर के शुरू में टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर की टोटल इनकम है वो पिछले साल से यहाँ से डिक्रीज़ हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में भी और ईयरली बेसिस में भी जो शेयर के यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। आगे हम इस शेयर के टोटल एक्सपेंसेस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर के पिछले साल के यहाँ एक्सपेंसेस जो थे वो 78,220 थे, वो जो अब घट के जो है 27,102 हो गए हैं। यानी कि इस शेयर के जो एक्सपेंसेस भी है वो भी यहाँ पे कम हुए हैं और इनकम भी इस शेयर की कुछ इतनी अच्छी खासी यहाँ पे जनरेट भी नहीं हुई है। आगे हम इस शेयर के यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं। तो यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी घट के 9,537 से घट के 8,551 हो गई है। तो जो शेयर की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है वो अच्छी जनरेट नहीं हुई है। और यहाँ पे जो पर शेयर यहाँ पे हमारी इक्विटी थी वो पहले 0 थी और वो अब बढ़ के 0.23 हो गई है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट तो इस शेयर के यहाँ पे अच्छे नहीं आए हैं। अब आगे इस शेयर के हम लॉन्ग टर्म के टारगेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से मिड टर्म में जो शेयर का टारगेट है यहाँ पे वो यहाँ पे मिड टर्म में 3 रुपये से लेकर 3.50 रुपये के बीच में रहने वाला है और आपका यहाँ स्टॉप लॉस 1.90 रुपये रहेगा। तो अगर आप इस शेयर को होल्ड करना चाहें तो अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं।